अपनों के अपनत्व से दूर कान्हा की शरण में आई हजारों निराश्रित वृद्ध महिलाएं नए रिश्तों की खोज में ऐसे मुकाम को हासिल कर चुकी हैं जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अपने हो चुके हैं। कृष्ण भक्ति में घर का त्याग कर चुकी निराश्रित विधवा महिलाओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राखियां बनाई हैं, जिनको सुलभ इंटरनेशनल संस्था के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। वृंदावन के विभिन्न आश्रमों में रहने वाली विधवाओं ने इस साल रक्षाबंधन के त्योहार पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी और वृंदावन थीम वाले मास्क भेज रही हैं। कोरोना काल से पहले तक कुछ विधवाएं रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए पीएम के घर जाती थीं, लेकिन दो साल से ये वह कोविड संकट के कारण प्रधानमंत्री को राखी बांधने नहीं जा सकेंगी। कोविड-19 के संकट के कारण वृंदावन के आश्रमों में रह रही विधवा माताओं को इस रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री आवास जाने का अवसर नहीं मिल पाएगा, लेकिन उन्होंने मोदी जी की छवियों के साथ 251 विशेष राखी तैयार की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रंगीन फोटो वाली लगभग 251 राखियां मां शारदा आश्रम में रहने वाली करीब 50 वृद्ध माताएं 10-10 के ग्रुप में पिछले 5 दिन से रेशम के धागे, फॉर्म और प्रधानमंत्री की फोटो के जरिए तैयार कर रही हैं। कोरोना संकट ने इन विधवाओं को निराश कर दिया, लेकिन इससे उनके हौसलों को चकनाचूर नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने पीएम मोदी के लिए राखी और विशेष वृंदावन थीम वाले मास्क तैयार करना शुरू कर दिया। सुलभ इंटरनेशनल की उपाध्यक्ष विनीता वर्मा ने कहा कि कुछ राखियों में प्रधानमंत्री का मास्क युक्त फोटो भी है। आसाम की रहने वाली 75 वर्षीय छवि दासी और छत्तीसगढ़ की उषा 2019 तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को राखी बांधती थी, लेकिन दो साल से कोविड के कारण अब उनको केवल राखी भेजती हैं। ये हाथ छाल हम लोग राखी बना रहे, निज हाथ से राखी बना रहे। तो पहले तो प्रणब मुखर्जी को हम राखी बांधा, हाँ, और अभी मन में इतना आशा था, खुश था मन में, जो प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी के हाथ में राखी बांधेंगे, वो हमारा भाई है ना, भैया है, भैया के हाथ में राखी बांधेंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएंगे और भैया भैया के लिए भगवान को पास शुभकामना जलाएंगे। जब आप प्रधानमंत्री के हाथ में राखी बांधती हैं, उस समय कैसा लगता है और क्या उनसे जिस तरह से भाई बहन को भेंट देता है, क्या मिलता है, किस तरह की? भाई को पास बहन क्या मांगेंगे, भाई का आशीर्वाद बहन के लिए बहुत बड़ा चीज़ है और बहन का आशीर्वाद भाई के लिए ये जो क्या होती है, जो जिसका भाई बहन नहीं है वो नहीं जानते हैं, बहुत बड़ा बात है ये। भाई भाई बहन का जो क्या रिश्ता है और क्या जो है राखी का दिन में, जो भैया सामने नहीं आएंगे और भैया जो तो आएंगे हाथ में राखी बांधेंगे, एक खुशी का साम और कुछ नहीं है, बहुत बड़ा बात है भाई।